पंचकुला में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायकों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी की गई। विभिन्न जिलों में पंचकुला में आने वाली प्रदर्शनकारियों को रोकने का प्रयास भी खूब किया गया। आपको बता दें कि कई स्थानों और प्रदर्शनकारियों को रोकते हुए पुलिस और आंगनबाड़ी के वर्कर्स में हाथापाई भी हुई। आंगनबाड़ी वर्कर्स और सहायकों को तुरंत प्रभाव से कुशल एवं अर्ध कुशल श्रमिकों में शामिल करने की रखी गई थी मांग। दो दिन का आंगनबाड़ी वर्कर्स का पंचकुला में रहेगा प्रदर्शन। पंचकुला जिला सहित अन्य जिलों में मंगवाई गई पुलिस फोर्स। कई आंगनबाड़ी वर्कर्स को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। आपको बता दें कि आंगनबाड़ी वर्कर्स को 1 नवंबर को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ बातचीत करने का समय मिला है। आंगनबाड़ी वर्कर्स का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती तब तक वह प्रदर्शन करेंगे। हालांकि पुलिस प्रदर्शनकारियों को धरना स्थल खाली करने के लिए कह रही है। मैम, आप क्या कहना चाहते हैं कि आपकी सहमति भी बन गई है, उसके बावजूद भी जो है कुछ जो वर्कर है वो हमारी तो कुछ भी सहमति ना बनी जी, हमारी बन रही है पूरा हरियाणा की। आपने ऐलान किया था कि हम हमारी इनकी जो नेतृत्व पर नहीं है, पानीपत जिला की जो प्रधान है वो जाएगी, जब भी तो जाएंगी। हाँ जी, वो प्रधानी के पास पूछ जाएगी, उसके बाद में पूछेंगी बस पता है कहाँ कहाँ है। हमारी घड़ी तो बस है, तो रामगढ़ खड़ी है। आज तो इतना बुरा बर्ताव किया जी हमारे साथ है। किनके द्वारा किया गया? हमारी तो झज्जर की वर्कर है, वो एडमिट है, उसका तो हमारे को पता ही नहीं कहीं पर है। हम सुबह से कर रहे हैं, भी हमारी बहन से मिलवा दे, वो मिले नहीं रही हमारे को। तो कैसे जाएंगे घर पे बताओ आप, अलग अलग डिस्ट्रिक्टों से। तो आगे क्या तो रहेगा फिर आप लोग? आगे धरना ही रहेगा और क्या रहेगा? आगे सरकार का शरण फोड़ांगा जी, और क्या रहोगे? वो क्या मारा फोड़ेंगे? बराबर की लड़ाई तो यही है क्या? वो हमें मारे या हमने मारे? एक तरफ तो सरकार कर रही है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बना रहा, और आज देख लो कितना बुरा माहौल कर रखे हैं। बेटियां नहीं है, खिड़की दरवाजे सब जगह सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, और बेटियां रोड पर बैठा दी गई है। किसी के पास ना कुछ जाते, किसी के कपड़े फाड़ दिए गए हैं, किसी का सर फोड़ दिया गया है। ये भी बेटियां हमारी हैं और किसी ने पैदा नहीं कर रखी है। हाँ, हमारी कोई ये मनसा थी नहीं हुई सरकार के साथ। हम अच्छे से इनके नंबर करके हम शांति प्रिय हमारा मांग पत्र देंगे, लेकिन सरकार तो वैसे ही बौखला रही है। वैसे भी एक तारीख की छुट्टी है, मांग पत्र का तारीख। ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।